एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2005 में पूछे गए थे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। सो ये आपका सीरीज टू है, राइट? दिस इज पार्ट टू। ऑलरेडी पार्ट वन मैंने डिस्कस कर दिया है, जहाँ पर दिसंबर 2004 के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं मैंने। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको लेसन वन, लेसन टू इस तरीके से विजिबल होगा, राइट? सो प्रीवियस वीडियो में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, एंड इन दिस वीडियो टोटल दिसंबर 2005 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इस सेशन को लाइव भी लिया था, बट कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी इंटरनेट के कारण, बीच में सेशन कहीं ना कहीं गायब भी हो गया था, तो बाद में जो लोग देखे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इसको रीअपलोड कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट, मोटिवेशन थॉट लेकर आती हूँ, ताकि कुछ भी पढ़े आपके अंदर जो एनर्जी है वो डबल हो जाए। सो टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट, राइट? अगर आप सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं, हर कोई अपने लाइफ में सबसे सुपीरियर बनना चाहता है, सबसे बेस्ट बनना चाहता है, और उसके लिए आपको जितने भी बुरे से बुरे हालात हैं उसको बखूबी हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं देन आपको बेस्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता, और आप एक ना एक दिन बेस्ट बनेंगे और सबसे सुपीरियर होंगे। जिन लोगों ने सेशन को नहीं देखा था, लाइव अटेंड नहीं किया था, वो इस वीडियो में पहले आप फ्रंट स्लाइड पे जाकर वीडियोस को देख, जो क्वेश्चन है उसको देखकर खुद आंसर कर सकते हैं, एंड देन लास्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर उसके आंसर को चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगी, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था 11th अप्रैल को, तो जिन लोगों ने 11th अप्रैल एंड 12th अप्रैल और आगे 13, 14, 15 and 16, 17, मतलब 7 days का ये सेशन है, ठीक है? ये पूरा का पूरा सीरीज़ है, 1 week चलेगा, डेली 7 PM पे। तो जो लोग इस सेशन में रेगुलर आते हैं, राइट, वो लोग और रेगुलरली कमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, वो एलिजिबल है नोट्स के लिए। तो वो 17th अप्रैल को मेल करेंगे, ठीक है, इस मेल आईडी पे neeturani1221@gmail.com, आपको वहाँ पर नोट्स विद इन 24 hours अवेलेबल करा दी जाएगी। बट ध्यान रखें, क्लास मस्ट अटेंड करना है आपको लाइव, जैसे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर लर्नर का भी, जो लर्नर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए, वो अटेंशन दे रहे हैं पूरी क्लास में, वो उनके कमेंट सेक्शन से पता लग जाता है। तो वेरिफिकेशन के बाद जो भी लर्नर्स एलिजिबल होंगे उनको फ्री नोट्स, जो भी इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, इस सीरीज में पढ़ाया जा रहा है, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, और अकॉर्डिंग टू द सीरीज ये 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप व्हाट? अगर हम टीम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आपके सामने टीम टीचिंग हो रही है, तो वहाँ पर किस चीज़ में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कोऑपरेशन, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, और डी हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2005 यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, वही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ट्राई खुद ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर आंसर दीजिएगा। उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, अपने लिए टाइम लिमिट भी लगा लीजिए। आप स्टॉप वॉच लेके बैठ सकते हैं कि आपको कितने देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, एंड एक्यूरेसी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आसान है, क्योंकि वो आपके लॉजिक्स एंड आपकी थिंकिंग पे बेस्ड है, राइट? तो जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितने लॉजिक्स क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए इसके सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। टीम टीचिंग मतलब कि एक क्लासरूम है, मे बी क्लासरूम भी हो सकता हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचिंग भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो जब एक टाइम पे मोर देन वन टीचर एक टाइम पे टीचिंग करवा रहा हो, ठीक है, टीम मतलब पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ टीचर हो, वो जब टीचिंग करवा रहा हो, तो उस टाइम पे टीम टीचिंग से क्या ज़्यादा डेवलप होती है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो नहीं सकती, क्योंकि जब भी आप टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे,
तो वहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ अट्रैक्ट होना है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। टीचर हमेशा चाहेगा क्या कि उसके लर्नर का जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके, जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके उसके बारे में सोचेगा, तो वो खुद में कॉम्पिटिशन तो नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट बी पे आते हैं, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट है, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में उनकी कोऑपरेशन बढ़ेगी, बट क्या बेसिकली यही मुद्दा है? कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है, और जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा टीम टीचिंग पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये पॉइंट, बट यहाँ पर बात हो रही पोटेंशियल डेवलप, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ज़्यादा डेवलप होंगे एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो। ठीक है, एक टीचर अपने लर्नर को जब प्रोवाइड करना चाहता है कुछ, तो वो एक दूसरे में कोऑपरेट करके कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। ये कोऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ टीम टीचिंग है, बट वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखना है। द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर टीम टीचिंग हो रही है, एक टीचर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की टीचिंग जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं अपने लर्नर तक वो कम्प्लीटली उनके लर्नर तक पहुँचे, उसमें वो लोग जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियली जो डेवलपमेंट हो रहा है, हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी। एंड डी, हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग, एक दूसरे की टीचिंग के बीच में क्या गड़बड़ है वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मैंने आपसे कहा टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो नेगेटिव वाला आंसर कभी भी करेक्ट नहीं होगा, इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑप्शन है, स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, ऑप्शन बी है इम्प्रूव्स अटेंडेंस, ऑप्शन डी सी है आपका रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एनजाइटी, एंड द लास्ट वन इज योर कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, सो विच विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप लोगों ने सोल्यूशन ज़रूर अपना सॉल्व कर लिया होगा। अब हम बढ़ते इसके सोल्यूशन पे, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है पहले तो ये समझना है, देन हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो समझेंगे। ओपन बुक मतलब कि एग्ज़ाम भी हो रहा है, मतलब इवेल्यूएशन भी हो रही है, राइट, बट आपको बुक्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं कि हाँ भाई आप अपने पास बुक भी रखिए और एग्ज़ाम भी दीजिए, मतलब आप बुक में से एग्जामिनेशन में जिस भी क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं आपको अलाउड है। दिस इज़ कॉल्ड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम विद बुक्स, दिस इज़ कॉल्ड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। आई होप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम होगा तो वो क्यों होगा, क्या बेनिफिट को लेते हुए चलेगा, राइट, जिन्होंने ये अलाउ किया है उन्होंने क्या सोचकर अलाउ किया है, ताकि स्टूडेंट सीरियस हो जाए, बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट सीरियस तो नहीं होंगे, उनके दिल में खुशी आ जाएगी भाई हमें से कोई फेल तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बुक है और वी कैन आंसर द क्वेश्चन बाय रीडिंग द बुक। देन इम्प्रूव्स अटेंडेंस, अटेंडेंस का एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि एग्जामिनेशन को कभी अटेंडेंस में काउंट ही नहीं करते हैं। थर्ड, रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एनजाइटी, बहुत सारे लोग ये वाला आंसर भी लगा देते हैं, बट एक बात समझिएगा, जो एग्जामिनेशन सिस्टम जिन्होंने बनाया है ये सिस्टम कि ओपन बुक होना चाहिए, वो क्यों होगा, ताकि वो जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग टेंशन फ्री हो जाए, उनका टेंशन कम हो जाए, ऐसा तो है नहीं, वो तो चाहते हैं कि उनको टेंशन हो लेकिन उनको फ़ायदा भी हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एनजाइटी कम नहीं होगी, बहुत सारे कंपटीशन भी आ सकती है, जो 90% लाना चाह रहा था वो माइंड में सोचेगा कि मैंने फिर पढ़ाई क्यों इतनी की, तो एनजाइटी तो नहीं जाएगी क्योंकि हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऑप्शन नंबर डी, कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, बिल्कुल, अगर आपको बुक भी अवेलेबल करा दी जाती है लेकिन बुक में उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना और उस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है, और वो भी सबको नहीं आता, और बिल्कुल एप्रोप्रिएट वे में आंसर लिखना है तो उसके लिए स्टूडेंट को सोचना तो पड़ेगा। और अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम रखा भी गया, ये भी कोई सुने, तो पहले तो वो खुश होंगे लर्नर्स, लेकिन बाद में वो ये सोचेंगे भी कि ऐसा क्यों रखा गया, ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, इससे वेटेज बढ़ सकता है। बिल्कुल एग्जामिनेशन में अगर बुक दे दिया गया, इसका मतलब बुक के साथ भी कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है, यहाँ पर भी एक
टेंशन आ जाती है. सो कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर. एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग एनकरेजेस द यूज ऑफ मैक्सिमम सेंस. मतलब यहाँ पर आपको फोर टीचिंग मेथड्स दिए हुए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा सेंस का यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी थिंकिंग मतलब लगती है, लॉजिक्स आप बिल्ड करते हो. ऑप्शंस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेबोरेटरी मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड और टीम टीचिंग मेथड. अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर दे सकते हैं, सिलेक्शन मेथड से भी आंसर दे सकते हैं, बट यहाँ पर जो आसान होगा आपके लिए वो एलिमिनेशन होगा, क्योंकि आपके लिए ऑप्शंस कम होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी कम होगी. राइट, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. मैक्सिमम सेंस मतलब हद से ज़्यादा सोचना. सो ऑप्शन नंबर सी पे आओगे, सेल्फ स्टडी मेथड. जब हम खुद पढ़ते हैं तो हम कहीं कहीं ना कहीं खुद की स्टडी देख रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ मिलजुल रहे ही नहीं हैं कि हाँ उसकी स्टडी पता चले, है ना. तो यहाँ पे कंपटीशन बनता नहीं है. जब कंपटीशन नहीं बनता है तो मैक्सिमम सेंस तो आता ही नहीं है. देन टीम टीचिंग मेथड. टीम टीचिंग मेथड में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर टीचर के पर्सपेक्टिव से हो रहा है बात टीम टीचिंग में, तो ये भी नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ पर तो आपको उल्टा काफ़ी सारा कन्वीनियंट चीज़ें मिलेंगी देखने को, क्योंकि टीचर्स आपको कई सारे हेल्प करने के लिए, तो मैक्सिमम सेंस की ज़रूरत नहीं है. कन्फ्यूज़न हो जाती है क्या ऑप्शन ए और बी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा कि लेबोरेटरी मेथड. तो दोनों को इंडिविजुअली समझेंगे तब आपको पता चलेगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब होता है रूट एनालिसिस. लाइक अगर आप ही के घर में या आपके भाई बहन के बीच में झगड़ा हो गया, और छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी कुछ झगड़ा हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब घर छोड़ने जाने की बात, इस तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. अब आपके जो सबसे एल्डर ब्रदर और सिस्टर है वो आए, उन्होंने कहा भाई पहले दोनों बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब उन्होंने जड़ जाने की कोशिश की कि ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई, और पता चला कि छोटी सी बात थी जिसके कारण लड़ाई हुई थी. यहाँ पर ऐसे रिजल्ट्स तो होने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो ये हो गया रूट एनालिसिस कि कहाँ से ये प्रॉब्लम बनकर आए. देन सेकेंड है आपका क्या, लेबोरेटरी मेथड, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल करते हो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसको प्रैक्टिकल करना, मतलब रूट एनालिसिस करना साथ ही के साथ प्रैक्टिकल करना. तो ज़्यादा दिमाग कहाँ लग रहा है, ज़्यादा तो यहीं लग रहा है ना, तो मैक्सिमम सेंस आपका हो जाएगा लेबोरेटरी मेथड में. लास्ट क्वेश्चन है ये दिसंबर 2005 का. एन इफेक्टिव टीचर इज़ द वन हु कैन. एक इफेक्टिव टीचर कौन होगा, जिसके अंदर इनमें से कौन सी खूबी होगी इन चारों में से. हु कंट्रोल द क्लास, और हु गिव मोर इन्फॉर्मेशन लेस टाइम. सी हु कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न. एंड डी हु कैन करेक्ट द असाइनमेंट्स केयरफुली. आई थिंक आंसर आप सभी के सामने बहुत ही क्लियर है और सभी लोगों ने करेक्ट आंसर ही लगाया होगा. तो देखो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. सो इफेक्टिव टीचर, मैंने आपसे हमेशा बताया टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव सोचता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सके. कंट्रोल करने की बात है तो वो टीचर किसी भी तरीके से भी कंट्रोल कर सकता है, बाय गुड मीन्स और बैड मीन्स, तो ये तो मैंशन ही नहीं है. और कंट्रोल टीचर कभी भी स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए नहीं आता, उसका मेन मोटिव होता है कि स्टूडेंट पढ़े और समझे. बी हु कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन एंड लेस टाइम, मतलब कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. अब एक टीचर है आपके सामने, वो उसने आपसे वादा किया कि भाई मैं 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी. और एक टीचर है आपके सामने, उसने कहा 30 मिनट में मैं तुम्हें 20 क्वेश्चंस पढ़ा भी दूंगी और समझा भी दूंगी. अब ये क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट करके अपना निकल लूँ ताकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो. और कई बारी लोग यहाँ पर पजल्ड रह जाते हैं क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन में उनका दिमाग अटका होता और तब तक 3-4 क्वेश्चन नए और सॉल्व हो गए होते हैं. तो ये कन्वीनियंट नहीं है, ये भी किसी टीचर का मेन मोटिव नहीं होता, ना ही इफेक्टिवनेस है. वो मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, जो कि स्टूडेंट को के अंदर, जब तक देखो स्टूडेंट, मैंने हमेशा आपको बताया 3 तरीके के होते हैं. एक बहुत ज़्यादा ही एक्सीलेंट होते हैं, मैं यहाँ पे गुड लिख रही हूँ, एक एवरेज होते हैं और एक बहुत ही बैड कंडीशन होती है. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो गुड है मतलब एक्सीलेंट वाले हैं, मतलब उनको पता है कि वो पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलने वाला है, पढ़ेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर पढ़ाई नहीं होती तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते, दे नो वेरी वेल. ठीक है,
और एवरेज वाले जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, और बैड वाले का तो मत ही पूछो, है ना। सो मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, जो टीचर ने एक बार स्टूडेंट को ये समझा दिया, दिल में ये बात जगा दी कि अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है, इससे क्या चीज़ें तुम हासिल कर सकते हो, राइट। इस दुनिया में कुछ नहीं है जो बिना पढ़ाई के मिल जाए, है ना। तो ये चीज़ें अगर टीचर ने आप किसी को मोटिवेट कर दिया, तो मान लो स्टूडेंट वहीं के वहीं जीत गया, आधा काम तो वहीं पर हो गया और बाकी वो कर ही लेगा डेफिनेटली, राइट। एंड डी है आपका, करेक्ट द असाइनमेंट्स केयरफुली। तो टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स को चेक करना बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई जो कि टीचर को करने पड़ते हैं। बट मोटिव जो है टीचर का वो होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना कि वो पढ़ाई करें, तभी वो पढ़ पाएंगे, रटवाने से कुछ नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप आप लोग फर्दर की क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे, एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाएं, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।